फाइनली जी ये रहा सीड। और अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। फाइनली वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने आपको विजिट कराया था चिटठा ज़रई फार्म, तो आज हम उधर जा रहे हैं वहाँ से कॉटन का सीड लेने के लिए। अच्छा ये, और मेरे साथ सलाम भाई मौजूद हैं, अभी हम घर से रवाना हो रहे हैं। जी अब हम अपने शहर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमने कुछ फ्रूट लिया और फ्रूट लेके अब हम जुलकर अंचड़ा साहब के फॉर्म पर जा रहे हैं। तो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। फाइनली जी अब हम पहुंच चुके हैं जुलकर अंचड़ा साहब के फॉर्म पर। ये उनका डेरा है और यहाँ पे ये मुख्तलिफ ये कॉटन का जो है वो सीड यहाँ पे पड़ा हुआ है और कुछ यहाँ पे बन रहा है, कुछ बना के उन्होंने रखा हुआ है। ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, ये मशीन चल रही है बीज बनाने वाली और कपास डालते हैं और ये बीज साथ साथ बना रहे हैं। तो ये फ्रेश सीड है जो यहाँ पे बन रहा है। फाइनली जी हमने जुलकर अंचड़ा ज़री फार्म से कॉटन की तीन वैराइटीज़ जिनमें AS 14, 400, FH 414 और SS 102, ये तीन कॉटन की वैराइटीज़ इनका हमने सीड ले लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रेश सीड यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे अभी फ्रेश बन भी रहा है। तो अभी हमने अपना सीड ले लिया और अब हम बाइक पर घर के लिए रवाना हो रहे हैं। आज है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। फाइनली जी ये रहा सीड और ये उसामा भाई, और अब हम घर पहुंच चुके हैं। ये हमने तीन वैराइटीज दी हैं, AS 14, 414 और SS 102। ये प्योर सीड है, ये अभी तीन वैराइटीज हम लेके आए हैं। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं जी एंड। उम्मीद है आप सब दोस्तों का आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।